टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस चौराहा, मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीम। यूपी में बाबा गीत गाकर चर्चा में आई कवियत्री अनामिका जैन अंबर एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा का कारण बनी है गैर समुदाय से उनके हेल्पर की शादी, जिसने अपने माता पिता की नाराजगी के बावजूद हेल्पर से न सिर्फ विवाह रचा लिया बल्कि हिंदू धर्म भी अपनाकर शाहिन से शालू बन गई। जान का खतरा पाकर युवती पहले मेरठ के सदर थाना पहुंची, लेकिन इस युगल को शिकायत दर्ज करने के बजाय थाने से बाहर कर दिया गया। अनामिका जैन अंबर के पति सौरभ जैन ने ट्वीट कर यह शेयर करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक से शिकायत की तो पुलिस हरकत में आ गई। तभी हेल्पर साजन अतवाल उर्फ संजू के घर हमला करने पहुंचे। युवती के परिजनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीती रात सदर थाना के बाहर कवि सौरभ जैन ने शाहिन उर्फ शालू की यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर। मैं शालू, मेरा नाम शाहिन है। मैंने अपना विवाह साजन के साथ किया है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अंदर, और हमें थाने से बाहर निकाले गया है और मैंने अपनी मर्जी से इनसे विवाह किया है और मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। इस वजह से मैं थाने में रिपोर्ट लगाने आई थी, बट हमारी कौन से थाने में आप? सदर थाने में। सदर थाना मेरठ जी। तो यहाँ पर आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? जी नहीं। क्या आप क्या रिपोर्ट लेकर के आई हैं? मैं ये रिपोर्ट लेकर आई हूँ कि मेरे घर वाले मुझे परेशान ना करें। और तो थाने में आपको सुनवाई नहीं की जा रही? जी नहीं। क्या कहा थाने वालों ने? थाने वालों ने बोला है यहाँ पे कुछ नहीं होगा और हमें बाहर निकाल दिया है थाने से बाहर निकाल दिया आपको? जी, जी धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करते हुए सौरभ जैन ने लिखा कि हालात देखें, पीड़िता थाने में शिकायत करने गई तो थाने से निकाल दिया गया। ये दावा करते हैं जनता की सुरक्षा का, कल इन पर कोई हमला हो तो कौन जिम्मेदार। इसका असर ये हुआ कि सदर और रेलवे रोड थाना पुलिस हरकत में आ गई। युवती शाहिन चूंकि सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, लिहाजा सदर पुलिस ने तुरंत ही उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। वहीं साजन अतवाल की शिकायत पर रेलवे रोड पुलिस ने उसके घर पहुंचकर शाहिन के परिजनों को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि शाहिन के परिजन उन पर हमला करने आए हुए थे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।